पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में अमीर और गरीब वर्ग के बीच बढ़ रहे गैप पर चिंता जताई है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती असमानता चिंता की बात है और वेलफेयर स्टेट होने के नाते देश में इतनी गरीबी या आर्थिक गैर बराबरी नहीं हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि जहां अमीर और अमीर हो रहे हैं वहीं गरीब की स्थिति और बदतर होती जा रही है। सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट भारत में बढ़ती असमानता 2018 जारी करने के मौके पर पूर्व पीएम ने कहा कि कुछ सामाजिक समूह गरीबी हटाने वाले कई कार्यक्रमों और ठोस नीतियों के बावजूद काफी गरीब हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन आर्थिक विकास की उच्च दर बढ़ती असमानता से जुड़ी हुई है। इनमें आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय और ग्रामीण शहरी असमानता शामिल है। आने वाले समय में भारत में असमानता और बढ़ती जाएगी अगर इस पर सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हाल ही में सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट के लॉन्च होने के बाद मौके पर पूर्व पीएम ने कहा कि बढ़ती असमानता हमारे लिए चिंताजनक है क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं का बुरा प्रभाव हमारे तेज और लगातार होने वाले विकास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत के एक वेलफेयर स्टेट है, हम अति गरीबी या गैर बराबरी को जगह नहीं दे सकते। कांग्रेस नेता ने यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान शुरू की गई कई योजनाएं भी गिनाई, जैसे शिक्षा का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून, वन अधिकार कानून, हिंदू सेक्शन एक्ट, मनरेगा आदि। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुताबिक इन अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने से समस्या का समाधान हो जाएगा। काउंसिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2000 से 2017 के बीच संपत्ति में असमानता 6 गुना बढ़ी है। इसमें बताया गया है कि 2015 में देश की 1% आबादी के पास राष्ट्रीय आय के करीब 22% हिस्सा था। इसमें 1980 के दशक की तुलना में 6% की बढ़ोतरी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 10% सबसे ज्यादा धनी लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का करीब 80.7% है, जबकि बाकी 90% आबादी के पास कुल संपत्ति का महज 19.3% है। रिपोर्ट का संपादन प्रोफेसर टी हक और डी एन रेड्डी ने किया है। इसमें 22 चैप्टर हैं, जिन्हें प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और अन्य सोशल साइंटिस्ट ने तैयार किया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।